नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मजेदार कैमरा कंपैरिजन वीडियो में। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं Realme 8 Pro के कैमरास को Samsung Galaxy F62 के साथ। अब इन दोनों फोन के कैमरा को कंपेयर करने का रीजन ये है कि जो दोनों ही फोन की प्राइस है वो अभी एकदम ही सिमिलर हो गई है, दोनों ही आपको 18,000 में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे इन दोनों फोन्स के कैमरा को कंपेयर करेंगे, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटोज लेंगे, वीडियोस लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फोन यहाँ पे बेहतर परफॉर्म करता है। तो उससे पहले अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात करी जाए तो Realme 8 Pro में आपको मिलता है क्वाड रियर कैमरा का सेटअप। प्राइमरी है 108 मेगापिक्सल का सेंसर, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर है एंड फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो वहीं पे अगर बात करी जाए F62 के बारे में तो वहां पे भी क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है। प्राइमरी 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ है एंड फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फोन पे पर यहाँ पे अगर आप कैमरा सेटअप देखते हैं तो प्राइमरी कैमरा है वो 8 प्रो में थोड़ा सा बेहतर है, तो अल्ट्रा वाइड है एंड जो फ्रंट कैमरा वो F62 में बेहतर है। बट ऑन पेपर यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन उसको हम साइड में रख देते हैं एंड एक्चुअल में हम टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही डिवाइस को एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन सा डिवाइस बेहतर परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटो है एंड यहाँ पे वैसे तो दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है बट F62 की इमेज मुझे यहाँ पे बेहतर लग रही है क्योंकि वहाँ पे जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा बेहतर है, उसके अलावा जो कलर है वो भी वहाँ पे थोड़े से बेहतर हैंडल हुए है एंड अगर बात करी जाए डिटेलिंग के बारे में, शार्पनेस के बारे में, तो वो भी वहाँ पे बेहतर है, जबकि 8 Pro की इमेज यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। दोनों ही फोन में प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है बट डिफरेंस यहाँ पे भी अगेन आपको मिल जाता है। जो 8 Pro है उसने एक्चुअल स्किन टोन दिखाया है, शर्ट का कलर भी एक्चुअल दिखाया है, जबकि F62 ने थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया है स्किन टोन को एंड शर्ट के कलर की बात करी जाए तो वो भी थोड़ा सा वहाँ पे चेंज हुआ है। अभी डिटेलिंग एंड शार्पनेस कहाँ पे बेहतर है वो देखने के लिए इमेज को जूम इन कर लेते हैं। वो जूम इन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 8 Pro की इमेज है वो ज़्यादा शार्प है, जबकि F62 की इमेज भी शार्प है बट 8 Pro के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम शार्प लग रही है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही फोन सही तरीके से एज डिटेक्शन कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है एंड बाकी स्किन टोन वगैरह अगर आप देखते हैं तो 8 Pro थोड़ा सा नेचुरल स्किन टोन दिखाता है जबकि F62 थोड़ा सा ब्यूटीफाई स्किन टोन दिखाता है। डे लाइट कंडीशन में कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटोस है तो यहाँ पे इन सभी फोटोस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो F62 है उसकी इमेजेस यहाँ पे बेहतर है, बेहतर कलर से बेहतर डिटेलिंग है, थोड़ी सी ज्यादा शार्पनेस देखने को मिल जाती है एंड अगर डायनामिक रेंज के बारे में भी बात करी जाए तो वो भी अगेन F62 में बेहतर है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस क्लियरली F62 का बेहतर है एंड वो यहाँ पे इन सभी इमेजेस में आप क्लियरली देख सकते हैं। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेजेस है तो यहाँ पे दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस काफी सही है बट कलर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिल जाता है। जो F62 है वो कभी कभी कलर को स्लाइटली बूस्ट कर देता है, उसके अलावा जो स्काई का कलर है वो भी वो थोड़ा सा ज्यादा ब्लू दिखाता है कंपेरेटिवली एंड अगर बात करी जाए डिटेलिंग के बारे में, डायनामिक रेंज के बारे में, तो दोनों में ही काफी सही देखने को मिल जाती है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि जो F62 है वो कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है तो वो यहाँ पे काफी इमेजेस में आप क्लियरली देख सकते हैं। 64 एंड 108 मेगापिक्सल मोड में ये इमेज निकाली हुई है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिख जाएगा कि जो शेडोड एरिया है वो F62 ने काफी बेहतर दिखाया है, काफी ब्राइट दिखाया है, जबकि 8 Pro ने शेडोड एरिया को इतना बेहतर हैंडल नहीं किया है एंड वो पार्ट थोड़ा सा डार्क ही दिखाया है। अभी डिटेलिंग कहाँ पे बेहतर है वो देखने के लिए दोनों इमेज को मैक्सिमम जूम कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जूम करने के बाद यहाँ पे डिटेलिंग तो दोनों में ही बढ़िया है बट जो शार्पनेस है वो आपको 8 Pro की इमेज में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाती है। कुछ मैक्रो के सैंपल है एंड मैक्रो यहाँ पे मुझे F62 का बेहतर लगा है क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, उसके अलावा वहाँ पे थोड़ी सी बेहतर डिटेलिंग आपको मिल जाती है, कलर थोड़े से बेहतर मिल जाते हैं एंड वहाँ पे आप थोड़े से ज्यादा क्लोज भी जा सकते हैं। तो मैक्रो का परफॉर्मेंस मुझे F62 का बेहतर लगा है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है बट अगेन यहाँ पे कलर का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। जो स्किन टोन है वो 8 Pro ने थोड़ा सा यहाँ पे ब्यूटीफाई कर दिया है जबकि F62 ने ब्यूटीफाई नहीं किया है, एक्चुअल स्किन टोन दिखाया है एंड शर्ट के कलर को भी उसने बेहतर हैंडल किया है एंड अगर बात करी जाए शार्पनेस के बारे में तो वो भी यहाँ पे F62 की इमेज में बेहतर देखने को मिल जाती है।
पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एज डिटेक्शन दोनों ही फोन सही तरीके से कर लेते हैं एंड बाकी जो स्किन टोन वगैरह है वो आपको यहाँ पे F62 में नेचुरल देखने को मिल रहा है जबकि 8 प्रो में थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो रहा है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि F62 की इमेज बेहतर है, वहाँ पे आपको बेहतर कलर्स मिल रहे हैं, बेहतर डिटेलिंग मिल रही है, बेहतर शार्पनेस मिल रही है। जबकि 8 प्रो की इमेज की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है उसकी वजह से डिटेलिंग वहाँ पे आपको काफी कम मिल रही है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड दोनों ही फोन ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे 8 प्रो एक्चुअल स्किन टोन दिखाता है, एक्चुअल कलर्स दिखाता है जबकि F62 थोड़े से कलर्स को चेंज कर देता है, शर्ट के कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, स्किन टोन को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया है एंड अगर बात करी जाए शार्पनेस के बारे में, डिटेलिंग के बारे में, तो अगेन 8 प्रो में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही फोन सही तरीके से एज डिटेक्शन कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेजेस है तो यहाँ पे इन सभी इमेजेस में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जो F62 की इमेजेस है वो काफी बेहतर है, बेहतर कलर है, बेहतर डिटेलिंग है, बेहतर शार्पनेस है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पे ऑल द वे F62 का बेहतर है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई कुछ इमेजेस है एंड यहाँ पे दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस काफी सही है, काफी बढ़िया है एंड काफी हद तक सिमिलर भी देखने को मिल जाता है। कुछ कुछ कंडीशन में आपको सेचुरेशन का फर्क देखने को मिल जाता है, F62 थोड़ा सा कभी कभी बढ़ा देता है तो कभी कभी 8 प्रो भी बढ़ा देता है। तो प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस दोनों ही फोन का काफी बढ़िया है एंड काफी हद तक मुझे सिमिलर भी लगा है। एंड और फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही फोन ने काफी अच्छा काम किया है बट अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F62 की इमेज वो ज्यादा शार्प है, ज्यादा डिटेल्ड है एंड कलर्स भी वहाँ पे थोड़े से ज्यादा एक्यूरेट रखे हुए हैं। जबकि 8 प्रो की इमेज के बारे में अगर बात करी जाए तो वहाँ पे शार्पनेस आपको इतनी बेहतर नहीं मिलती है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही फोन काफी सही तरीके से एज डिटेक्शन कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है एंड जो स्किन टोन वगैरह है वो अगेन आपको F62 में थोड़ा सा बेहतर मिलता है। लो लाइट कंडीशन में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी बेकार है। नाइट मोड को ऑन किया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो होता है बट इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है कि इमेज आपको अच्छी लगे, बट स्टिल यहाँ पे F62 की इमेज काफी बेहतर लग रही है कम्पेयर टू 8 प्रो। स्क्रीन फ्लैश को यूज किया है एंड यहाँ पे अगेन मुझे F62 की इमेज थोड़ी सी बेहतर लग रही है। लो लाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है तो यहाँ पे F62 की इमेज बेहतर है, विदाउट नाइट मोड है ये। नाइट मोड को ऑन किया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद 8 प्रो की इमेज भी काफी इम्प्रूव हो जाती है, काफी डिटेल्ड हो जाती है, काफी शार्प हो जाती है बट स्टिल अभी भी F62 की इमेज बेहतर लग रही है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है तो यहाँ पे 8 प्रो की इमेज थोड़ी सी ज्यादा शार्प है। नाइट मोड को ऑन किया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोनों इमेज काफी ज्यादा डिटेल्ड एंड शार्प हो जाती है। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कुछ वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। तो दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूं एंड 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूं क्योंकि जो Realme 8 Pro है उसमें आप वहीं तक शूट कर सकते हैं, 4K में शूट नहीं कर सकते हैं जबकि F62 में तो आपको 4K का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप क्लियरली देख सकते हैं कि F62 में ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलता है जबकि 8 प्रो में इतना ज़्यादा वाइड व्यू नहीं मिलता है। तो दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 4K रेजोल्यूशन में शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की मिल रही है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड स्टेबिलाइजेशन कहाँ पे बेहतर है वो भी आप देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन मुझे F62 में स्टेबिलाइजेशन बेटर लग रहा है, बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर आइडिया लगेगा। तो दोनों ही फ़ोन में 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे F62 में आपको 1080p 60 का ऑप्शन नहीं मिलता है जबकि Realme 8 Pro में आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड स्टेबिलाइजेशन कहाँ पे बेहतर हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन मुझे यहाँ पे 8 प्रो में स्टेबिलाइजेशन बेटर लग रहा है, बाकी आप लोग अभी एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर आइडिया लगेगा। तो दोनों ही फ़ोन में फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि Realme 8 Pro में अगेन आप वहीं तक शूट कर सकते हैं जबकि F62 में आपको फ्रंट कैमरा में भी 4K का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो ये चीज़ वहाँ पे आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, कौन सा फ़ोन यहाँ पे बेहतर काम कर रहा है एंड अभी मैं शेडोड एरिया में हूँ, अभी आपको डायरेक्ट सनलाइट में आके दिखा देता हूँ।
तो अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट में आ गया हूँ, तो यहाँ पे कौन सा फ़ोन बैकग्राउंड बेहतर हैंडल कर रहा है आप देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन मुझे यहाँ पे F62 में बेहतर लग रही है फुटेज, बाकी आप लोग अभी एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर आइडिया लगेगा। तो दोनों ही फ़ोन में सुपर स्टडी मोड को एनेबल कर दिया है मैंने, उसके बाद अभी स्टेबिलाइजेशन कहाँ पे बेहतर है वो देखने के लिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ऑन स्क्रीन तो मुझे यहाँ पे इतना आइडिया नहीं लग रहा था, बाकी आप लोगों ने अभी एक्चुअल फुटेज देखी है तो आप लोगों को बेहतर आइडिया लगेगा। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करिए तो यहाँ पे क्लियरली जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है F62 का बेहतर है, फिर चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो। प्राइमरी कैमरा की बात करी जाए तो दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, काफी हद तक सिमिलर भी है। अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद आते हैं तो आपको 8 प्रो की इमेजेस पसंद आएगी, एंड अगर आपको थोड़े से बूस्टेड कलर्स पसंद आते हैं, थोड़े से ब्यूटीफाइड स्किन टोन पसंद आते हैं तो फिर आपको F62 की इमेजेस पसंद आएगी। मैक्रो अगेन F62 में बेहतर देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस अगेन F62 का मुझे बेहतर लगा है। अब उसके अलावा अगर बात करी जाए वीडियोस के बारे में तो वीडियोस में भी F62 काफी हद तक बेहतर है, बट वहां पे भी एक कमी ये रह जाती है कि 1080p 60fps का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है रियर कैमरा में, तो ये कमी वहां पे जरूर लगती है। एंड फ्रंट में भी अगर आप देखते हैं तो वीडियो में F62 में आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड में भी 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो सिंपली ये सारी चीजें आप Realme 8 Pro में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे जो कैमरे का परफॉर्मेंस F62 का बेहतर लगा है। एंड अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं अराउंड 18,000, तो मैं तो यहाँ पे आपको F62 ही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा फोन लेना है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।